सनातन धर्म में विवाह दो आत्माओं का मिलन माना जाता है, लेकिन दोनों आत्माओं के मिलन में सामाजिक तौर पर वर और वधु के मिलान में बहुत अड़चने पैदा हो जाती हैं, जिनका हल भी हमारे धर्म में बताया गया है। उसी को लेकर अर्थप्रकाश टीवी पर हर रविवार की तरह आज भी हमारे कार्यक्रम भावी वाणी में ज्योतिष आचार्य शिल्पा डीधर वर और वधु के मिलान में आने वाली अड़चनों का हल आपको बताएंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आप सबके अपने फेवरेट चैनल पे। और आज मैं बात करने वाली हूँ शादी की। तो शादी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, अड़चने आ रही हैं, किसी प्रकार का डिले हो रहा है, और ऐसे टॉपिक ऐसे लोगों को भी मैं कैटर करूँगी जो लोग ऑलरेडी शादी में हैं बट कुछ ना कुछ अड़चने जो है फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले शादी का जो घर होता है वो सातवां घर होता है आपकी कुंडली में। और अगर आपकी कुंडली में शादी के घर में शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, मैलिफिक है किसी प्लैनेट की वजह से, ये एस्पेक्ट कर रहा है फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस को एक मैलिफिक प्लैनेट की दृष्टि से, और मैलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है आपके पहले घर में जो एस्पेक्ट कर रहा है सातवें घर को, तो आपकी कुंडली जो है उसे उपाय की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा ही उपाय जो मेरे उपाय हैं बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है मेरी तरह, और वो उपाय है टैरो कार्ड की दुनिया से। और ये टैरो कार्ड सिर्फ एक नॉर्मल टैरो कार्ड नहीं, एक पेंटिंग के रूप में बकायदा आपको दिया जाएगा जो एनर्जाइज होगा यंत्र और मंत्र के साथ। तो इसे आपने स्थापित करना है अपने बेडरूम में, चाहे आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप इसे स्थापित अपने बेडरूम में करेंगे। और साउथ ईस्ट कोना जो आपके बेडरूम का है, इवन वो अगर कॉर्नर है, कॉर्नर पे आप उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे रख लेंगे, बट दिशा उसकी याद रखेगा साउथ ईस्ट ही होनी चाहिए वास्तु के पर्सपेक्टिव से। तारीख का आपने खास ध्यान रखना है, जो तारीख रिश्ते की होगी या जब भी आप शादी को कंसिडर कर रहे हैं और जिस दिन आप इस पेंटिंग को स्थापित करेंगे, तारीख होनी चाहिए 6, 15 या 24, जिसका टोटल 6 आता है, जो कि शुक्र का प्रतीक होता है। और अब हम आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। तो शुक्र का वार है, शुक्रवार है, तो आपने नीले कपड़े या सफेद कपड़े धारण करके ही इस पेंटिंग को हाथ लगाना है, स्थापित करना है। और ये पेंटिंग जो है आपको एनर्जाइज्ड वे से हमारे माध्यम के जरिए आपको मिल सकती है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, नमस्कार। बट इससे पहले मैं वीडियो समाप्त करूं, आप जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, मुद्दा है जिसपे आप चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपकी किसी करीबी की जिंदगी से जुड़ा है, जिसपे आप चाहते हैं कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और मैं आपके हर कॉमेंट को खुद पर्सनली पढ़ूंगी और उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।